Let's be Daisa One! Assalamualaikum, Daisa, kaisi aap? Please have a seat. Thank you, Daisa. आप आई हमारे शो में. भाई Daisa के लिए तालियां बजाओ. इस्लामाबाद से स्पेशल आई हैं. आज ही ना. थैंक यू सो मच. आज 12 बजे की फ्लाइट से वो इस्लामाबाद से आई हैं. आके फौरन से फटाफट जल्दी मिनटों में वो तैयार हुई हैं और अभी वो हमारे सेट पे मौजूद हैं. थैंक यू. क्या हुआ? बैक स्टोरी यही है इसकी कि आप इस्लामाबाद से आई हैं. हाँ. और जोर इस चीज पे कि आप मिनटों में फौरन यू करके तैयार हुई हैं और वो सेट पे पहुंची हैं. तालियां भाई, तालियां इस बार. अच्छा, आज आपकी जो ये कलर आपने चूज किया ब्लैक एंड व्हाइट, इसकी कोई खास वजह? आधी आप ब्लैक और आधी व्हाइट, इसकी क्या वो? बिकॉज दोनों ही मेरे फेवरेट कलर है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या पहनूं, तो मैंने कहा दोनों पहन ले. इसका क्रेडिट मुझे जाता है, मेरे लिए तालियां. क्योंकि मेरे शो पे वो आ रही थी, वो सोच नहीं पा रही थी कि यार कि ज्यादा अच्छी ब्लैक में लगेंगी ये व्हाइट में लगेंगी, तो आपने डिसाइड किया दोनों को मर्ज कर दो. इस्लामाबाद का मौसम कैसा आया था? बहुत अच्छा, और अब तो बारिश हो रही है वहाँ पर. अच्छा जी. कराची में आपको लग रहा है ज्यादा ठंड है या इस्लामाबाद में ज्यादा ठंड है? इस्लामाबाद में ज्यादा ठंड है, क्योंकि यहाँ पे भी कराची वालों के लिए तो यही सर्दी है भाई. हाँ, लेकिन उधर रात में ज्यादा सर्दी हो जाती है. अच्छा. दिन में नॉर्मल है जैसे कराची में वैसे ही है उधर, बट रात में ज्यादा सर्दी हो जाती है. सो टेल मी, एन अ गर्ल फ्रॉम इस्लामाबाद जो अपने पैशन को परसू करती करती कराची आ गई, और आपने पहले ये सोचा कि आप मॉडलिंग की तरफ आपने सोचा कि आप जाएंगे. मैंने अपने इंट्रो में यही बात की कि ये बड़ी अच्छी बात मुझे आपके बारे में लगी कि आपने जब रियलाइज किया कि यू कैन नॉट बिकम अ मॉडल, तो आपने फौरन से अपना जो फोकस है वो शिफ्ट कर दिया. बिकॉज यूजुअली ये होता है कि लोग एक तरफ लग जाते हैं और फिर अगर उनको पता चल भी जाए कि वो नहीं कर सकते तो वो उसी के पीछे पड़े रहते हैं. ऐसा लगता है जैसे यू नो दीवार पे बंदा टकरे मार रहा हो. तो आपको ये रियलाइजेशन कैसे हुई कि यू कांट बिकम अ मॉडल? एक्चुअली जब मेरा ये शौक था मॉडलिंग का, तो मेरा बहुत ज़्यादा वेट था. मैं 65 kg थी. आई वॉज 65 kg. तो जब मैंने अपना पहला पोर्टफोलियो करवाया तो मुझे कुछ चंद लोगों ने बताया कि अगर तुमने मॉडलिंग करनी है तो वेट थोड़ा कम करना पड़ेगा. ऑफकोर्स तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे वो करने में मज़ा नहीं आ रहा था. तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप एक्टिंग में ट्राई करें, हो सकता है कि आपको वहाँ आप इंजॉय करें, क्योंकि मुझे मॉडलिंग में ऐसा कोई मज़ा नहीं. लेकिन आपको एज अ मॉडल जैसी लगती है या नहीं लगती है? ये तालियां होनी चाहिए. वो लोग कौन थे जिन्होंने आपको बोला कि आप नहीं कर सकती? हाँ, आजकल वो मेरी पिक्चर्स लाइक करते हैं. ओए अच्छी अच्छी अच्छी, दैट वाज गुड. तो यही होता है, लोग ये कहते हैं कि भाई किसी तरह से पुल डाउन करो. हमारी इंडस्ट्री में तो और ज्यादा होता है जी. अगेन एज समबडी विद नो कनेक्शन, मेरा मुझे जहाँ तक पता चला है कि आपका ड्रामा इंडस्ट्री या मॉडलिंग से दूर दूर तक आपकी फैमिली का कोई ताल्लुक नहीं था. और मुझे ये भी पता चला है कि आपने जब पहले रीच आउट किया प्रोडक्शन हाउसेस को तो फेसबुक के थ्रू आपने रीच आउट किया, क्या ये बात सच है? यस यस. और आपने हर जगह जाके ऑडिशंस दिए? जी, मैंने खुद मैसेजेस किए प्लीज मुझे मेरा ऑडिशन लें, और किसी ना किसी तरह मैं खुद ही पहुंच जाती थी ऑफिस, और मैं अपना ऑडिशन जो कि बहुत गंदा देती थी, बहुत बुरा देती थी, लेकिन दे के आई. हर प्रोडक्शन हाउस में मैंने ऑडिशन दिया है. और जब आप रीच आउट करती थी, और मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि घर पे जो लड़के लड़कियाँ बैठे हुए हैं जो फील्ड में आना चाहते हैं, वो प्रोसेस क्या मुश्किल था रीच आउट करना? जवाब आ जाता था प्रोडक्शन हाउसेज की तरफ से? क्या ऐसी चीज़ें थी वो पूछते थे कुछ सवाल जवाब, क्या होता था? नहीं, रीच आउट करना तो इतना मुश्किल नहीं था. इस तरह मैसेजेस करती थी, अगर मैं मैसेज करती थी कि मुझे ऑडिशन देना है तो रिप्लाई आ जाता था. अच्छा, आ जाता था? आ जाता था, क्योंकि अक्सर वो फेसबुक पे आता ना, नीड न्यू फेसेस फॉर ड्रामास, तो वो उसमें मैं मैसेज कर लेती थी, तो वो मुझे ऑफिस बुला लेते थे और मैं ऑडिशन दे देती थी, फिर कोई जवाब नहीं आता था, ये अलग बात है. Would it be right to say कि फरियाद आपका वो ड्रामा था जिससे आपको वो रिकग्निशन मिलना शुरू हुई, जहाँ पे आपको लोगों ने पहचानना भी शुरू किया, आपको अप्रिसिएशन मिली, ये बात सच है? जी. फरियाद को ही वो क्रेडिट देना चाहेंगी आप? जी. तो फरियाद कैसे आया था आपके पास, आपको वो ड्रामा कैसे मिला वो रोल? अच्छा, ये बड़ी मजे की स्टोरी है. कोरोना था और सब कुछ बंद हो गया था, काम नहीं हो रहा था, घर में बैठे हुए थे, और ना मैं सोच रही थी कि क्या है, काम भी बंद हो गया, अब कैसे होगा. तो मुझे एकदम से सना शाहनवाज की कॉल आई, और उन्होंने मुझे कहा कि Daisa, मैंने आपका काम देखा है, हमारा एक ड्रामा स्टार्ट होने वाला है और मुझे आप बहुत अच्छी लगती है, मैं चाहती हूँ कि आप करें. तो मुझे बिल्कुल यकीन ही नहीं आया. मैंने कहा ये क्या है? मैंने कहा ठीक है, ओके डन. तो मुझे सना ने कॉल की थी, उन्होंने बताया कि ड्रामा है और आपने करना. भाई सना के लिए तालियां यार, ये
सब उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए जो कि नए टैलेंट को खुद रीच आउट करते हैं। और फरियाद में तो आपकी कास्ट भी माशाल्लाह काफी सारे लोग थे और जाहिद भी थे आपके साथ, गुलापा हमारी सबकी फेवरेट, वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उस सेट पे, तो हर टाइम मजाक मस्ती, और जबकि मैं न्यू थी लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे उनके साथ काम करने में मुश्किल हो। जाहिद अहमद, उन्होंने बहुत हेल्प की, वो मुझे गाइड करते थे। गुलापा, सना अस्करी और जितनी भी कास्ट थी सब बहुत अच्छी थी और उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। अच्छा, ऐसा एक ये सोच है लोगों की कि इंडस्ट्री में न्यू कमर्स के लिए जो लोग हैं वो इतने वेलकमिंग नहीं होते, तो आपने अपनी अब तक की जर्नी में 3-4-5 साल आपको हो गए इंडस्ट्री में, तो आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री वाले लोग नए टैलेंट को इनकरेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, कहते हैं ना खुली बाहों के साथ उनका उनको खुशामदीद कहते हैं, या इसी में लगे रहते हैं भाई के नहीं नहीं यार आगे नहीं आने देना? मेरे ख्याल से दोनों ही होता होगा, मुझे तो ऐसे लोग नहीं मिले, और अगर मिलते भी हैं तो मेरी नेचर ऐसी है अगर मुझसे कोई बात नहीं करता तो मैं एक कोने में बैठी रहती हूँ, कोई बात करता है तो मैं उससे बहुत अच्छी तरह से बात करती। मेरे से तो माशाल्लाह यार अच्छी बातें आज हमारी हो रही है भाई, क्यों आप क्यों, ये क्या है? असल में बताऊँ, ये मेरे अंदर बहुत बड़ा चेंज आया है कि मैंने अब लोगों से बात करना शुरू किया। मुझे लगा मेरे में कुछ स्पेशल है ये क्या नहीं, मुझे अब जाकर ये 7-8 months हुए हैं मुझे ये, अच्छा ये फील हुआ है कि नहीं खुली आप, मतलब 7-8 months थोड़ी बहुत, पूरी तरह से नहीं कोई नहीं, आज अभी हम मजीद बाय द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू उम्मीद है कि आप और ज्यादा इजी फील करेंगी। तो ये जो मैं दोबारा सवाल वही पूछ रहा था कि इंडस्ट्री ठीक है किसी को वेलकम करे ना करे, बात करे ना करे, बट काम देने की हद तक, जैसे होता है कि हमारे यहाँ देखा जाता है कि ज्यादातर प्रोड्यूसर्स भी डायरेक्टर्स भी एक ही तरह के एक्टर्स के साथ ज्यादा काम करने को प्रेफर करते हैं, तो हाउ डज अ न्यू कमर मेक देयर वे इनटू दैट सर्कल? मेरे ख्याल से टाइम लगता है, हर चीज़ फौरन फौरन नहीं होती, आपको अपने आप को टाइम देना होता है और ऑफ कोर्स अपने आप को मनाना भी होता है। कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट नहीं है भाई कोई, आपको मेहनत करनी पड़ती है और सबर से काम करना पड़ता है। आप ड्रामे देखती हैं यूजली? देखती हूँ।